राखी सावंत जब भी कोई इंटरव्यू देती हैं वो विवादों में आ ही जाता है, इसलिए शायद राखी सावंत को ये कहा जाता है कि वो ड्रामा क्वीन है। यहाँ पर राखी सावंत ने अक्षरा सिंह और पवन सिंह के विवादों पर कुछ कहा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें से एक बात राखी सावंत ने बहुत सही कही है और सटीक कही है, जिसका एक्सपीरियंस मैंने खुद ने किया है एज अ रिपोर्टर, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कि राखी सावंत ने मेन मुद्दा क्या कहा है अपने इस पूरे इंटरव्यू में, राखी सावंत ने ये कहा है कि पवन सिंह बेकसूर है इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। अगर वो कसूरवार होते तो वो अपना पक्ष रखते, वो बेकसूर है इसलिए उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। अब दूसरा आरोप जो अक्षरा सिंह पवन सिंह पे लगा रही हैं कि पवन सिंह ने उनका रेप किया है, अटेम्प्ट टू रेप करने का जो आरोप लगाया है अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर, इस पर राखी सावंत ने कहा है कि जब दो लोग रिलेशन में रहते हैं तो बंद कमरे में वो क्या करते हैं ये उनका मैटर है, ऐसे में जब वो रिलेशन टूट गया है और फिर टूटने के बाद आना कि हाँ भाई उन्होंने मेरा रेप किया है, ये सरासर गलत है, ये झूठ है। अब तीसरी बात जो राखी सावंत ने कही है जो कि शायद अक्षरा सिंह के फैंस को हजम न हो, कि पवन सिंह ने ही अक्षरा सिंह को बनाया है। अक्षरा सिंह इतनी बड़ी स्टार तब नहीं हुआ करती थी जब वो पवन सिंह के साथ आई, तब हुई है। अब वो बात बारे में मैंने वीडियो शुरू होने से पहले कहा था कि ये बात जो राखी सावंत ने कही है वो काफी हद तक सच है। राखी सावंत ने ये कहा है इस इंटरव्यू में कि पवन सिंह को फ्लाइट में बैठने से फोबिया है। जी हाँ, ये बात सच है कि पवन सिंह को ऊंचाई से डर लगता है, उनको फ्लाइट में बैठने से यानी फ्लाइट की जो यात्रा करने की, जहाज की जो यात्रा करनी होती है उसमें उनको काफ़ी डर लगता है। इसका एक्सपीरियंस खुद मैंने भी किया है, जब मैंने एक निजी चैनल के लिए उनका इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से काफ़ी डर लगता है, वो सबसे सेफ यात्रा या फिर बाय ट्रेन जाना पसंद करते हैं या फिर बाय रोड जाना पसंद करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर फ्लाइट में उन्हें कुछ हो गया या फिर फ्लाइट कहीं क्रैश हो गई तो वो अपने प्रियजनों से आखिरी बार भी मिल नहीं पाएंगे। तो इस तरह का फोबिया होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बात के लिए तो मैं खुद कहूंगी कि राखी सावंत ने ये जो बात कही है वो काफी हद तक सही है। तो ये रहा राखी सावंत ने जो अभी पवन सिंह के बचाव में बातें कही हैं इंटरव्यू में, उसके कुछ अंश। राखी सावंत ने यहाँ ये मेंशन करना नहीं भूली कि उनके दो फेवरेट फ्रेंड यानी कि एक पवन सिंह और रानी चटर्जी जो फिल्मों में दोबारा साथ आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने बेस्ट विशेस दी है, और साथ साथ ये कहा है कि पवन अक्षरा को अपनी लड़ाई भूलकर दोस्ती कर लेनी चाहिए और फिल्में साथ में करनी चाहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।